बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विद अ वेरी न्यू वीडियो मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट वेज टू से यस, हाँ कहने के मुख्तलिफ तरीके इन इंग्लिश। यस कहने के आप यस किस तरह से कह सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी, अपने अप्रूवल को किस तरह से जाहिर कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। एक ही वर्ड कहना बार बार यस 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 सीम्स क्वाइट बोरिंग, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से देखेंगे और सीखेंगे कि डिफरेंटली हम कैसे यस कह सकते हैं और कौन कौन से ऐसे तरीके और कौन कौन से ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हैं यस कहने के जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है जिसको आप नॉर्मल लाइफ में डेली यूज़ करते हैं, और अगर आप इस जो वीडियो में मैं आपको वर्ड्स बताने जा रही हूँ उसको आप डेली यूज़ करेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश भी मज़ीद इम्प्रूव होगी और आपकी डिफरेंट आपसे भी लोग सीखेंगे डिफरेंट तरीके से कि हाँ इसने यस की जगह ये कहा ये कहा, यानी कि हर दफ़ा यस ही कहे जा रहा है। तो वो इस तरह से मज़ीद लर्निंग, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जाते जाएंगे। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट तरीके क्या हैं यस की जगह, हम डिफरेंट वेज कौन से हैं जो हम यस की जगह डिफरेंट वर्ड्स कौन से यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट वेज टू से यस, डिफरेंट वेज टू से यस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राइट ऑन, श्योरली, अनडाउटली, इंडीड, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड, और यस। ये हो गए फर्स्ट सिक्स वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यस, फर्स्ट सिक्स वर्ड्स। आगे के वर्ड्स देखते हैं कि कौन से हैं। नेक्स्ट इज ओके, फर्स्ट वर्ड है ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, टोटली, नेचुरली एंड डेफिनेटली, डेफिनेटली, ओके, ऑल राइट, टोटली, नेचुरली एंड डेफिनेटली, डेफिनेटली। नेक्स्ट इज श्योर, श्योर, बाय ऑल मीन्स, श्योर थिंग, यप, ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। श्योर, बाय ऑल मीन्स, श्योर थिंग, यप, ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंटली, यप, ओके, सर्टेनली, ग्लैडली, वेरी वेल। लेट्स रिपीट, इंडिपेंडेंटली, यप, ओके, सर्टेनली, ग्लैडली, वेरी वेल। सो इन सब वर्ड्स को हम अलग अलग करके इसके मीनिंग्स भी आपको बता देते कि इसके मीनिंग्स क्या हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज़ राइट ऑन। राइट ऑन का उर्दू मीनिंग है हक पर होना, बिल्कुल दुरुस्त होना। तो आप उसको यस की जगह यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ राइट ऑन इंस्टेड ऑफ़ यस। उर्दू मीनिंग इसका हो गया हक पर होना, बिल्कुल दुरुस्त होना। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अप्रूवल, इनकरेजमेंट। क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अप्रूवल, इनकरेजमेंट। राइट ऑन, यू कैन यूज़ इट इंस्टेड ऑफ यस। नेक्स्ट वर्ड इज़ श्योरली, श्योरली, श्योरली मीन्स ज़रूर। श्योरली का उर्दू में मीनिंग है ज़रूर। इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू एम्फेसाइज द स्पीकर, टू एम्फेसाइज द स्पीकर, व्हाट दे आर सेइंग इज़ ट्रू, कि जो दूसरा इंसान कह रहा है वो सही है। व्हाट दे आर सेइंग इज़ ट्रू, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, कि किसी भी शक के बगैर, विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट इज अनडाउटली, अनडाउटली का उर्दू मीनिंग है बिलाशुबा, अनडाउटली, बिलाशुबा। इंग्लिश मीनिंग है विदाउट डाउट, मतलब किसी भी शक के बगैर, विदाउट डाउट, क्लियरली, नो डाउट। विदाउट डाउट का मतलब हो गया किसी भी शक के बगैर, क्लियरली मतलब जो कि बिल्कुल साफ और वाजे होता है, क्लियर होता है। नो डाउट का मतलब हो गया किसी भी शक के बगैर, नो डाउट। नेक्स्ट वर्ड
is indeed. Indeed. Indeed means such. Indeed means such. English means इसका मीनिंग है to emphasize the statement. To emphasize the statement. To say yes. Reality. To agree. किसी भी स्टेटमेंट में एम्फसाइज करने के लिए, यस कहने के लिए, किसी भी बात की सच्चाई रियलिटी बताने के लिए और अपनी एग्री में शो करने के लिए कि आई एम एग्री. नेक्स्ट वर्ड इज साउंड्स गुड. साउंड्स गुड का उर्दू लिटरल मीनिंग है कि अच्छा लगना, जो कि सुन के अच्छा लगे, अच्छा लगना. इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा टू टेल समवन दैट द गिवन आइडिया, दैट द आइडिया और सजेशन गिवन साउंड्स गुड. कि जो कोई भी आइडिया, जो सजेशन किसी सामने वाले बंदे ने दिया है वो साउंड्स गुड, वो सुन के अच्छा लगा, साउंड्स गुड. नेक्स्ट वर्ड इज़ यस. यस का मतलब है हाँ. टू एग्री, किसी भी बात पे एग्री करना. यस के ही सब्स्टिट्यूट्स हम देख रहे हैं इसलिए इसको बीच में भी ऐड कर दिया, यस. नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज़ ओके. ओके, ओके का उर्दू मीनिंग है ठीक है. ओके मीन्स ठीक है. इंग्लिश मीनिंग है यूज टू एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस. ओके का उर्दू मीनिंग हो गया ठीक है. इंग्लिश मीनिंग हो गया यूज टू एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, मतलब किसी भी चीज़ की एक्सेप्टेंस को जाहिर करना कि हाँ ये चीज़ ठीक है, मुझे कबूल है, उसके लिए आप एग्री करते हैं. टू एक्सेप्टेंस अपनी शो करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑलराइट. ऑलराइट का उर्दू मीनिंग है ठीक है. ऑल राइट का भी मीनिंग क्या है, ठीक है. ऑल राइट का इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल या सेटिस्फैक्ट्री. ऑल राइट मीन्स ठीक है, उर्दू मीनिंग हो गया ठीक है. इंग्लिश मीनिंग हो गया एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेबल मीन्स ऐसी चीज़ जो आप कबूल कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है. सेटिस्फैक्ट्री मीन्स ठीक होना, कि जो आपको कबूल है ठीक है. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ टोटली. टोटली मीन्स टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कि अपने आप की, अपने हाँ जाहिर करना, अपने रजामंदी जाहिर करना किसी चीज़ के लिए, अपनी एग्रीमेंट जाहिर करना. टोटली अपना एग्रीमेंट एक्सप्रेस करना कि हाँ मैं इस बात के लिए एग्री हूँ. मीनिंग क्या हो जाएगा टोटली का, मुकम्मल तौर पर. टोटली मीन्स मुकम्मल तौर पर, मतलब कि मुकम्मल तौर पर टोटली किसी बात के लिए अपना एग्रीमेंट शो करना कि हाँ मैं एग्री हूँ. नेक्स्ट वर्ड इज़ नेचुरली. नेचुरली का उर्दू मीनिंग है फितरी तौर पर या कुदरती तौर पर. नेचुरली मीन्स जो, मतलब लिटरली आप इसकी मीनिंग पे जाएं तो इसका ये मतलब है फितरी तौर पर, जो फितरत की तरफ से कोई चीज़ होती है, या कुदरती तौर पर जो कुदरत की तरफ से कोई चीज़ होती है उसको हम कहते हैं नेचुरली. अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स. नेचुरली मीन्स ऑफ कोर्स, कुदरती तौर पर या फितरती तौर पर. नेक्स्ट वर्ड इज डेफिनेटली. डेफिनेटली का उर्दू मीनिंग हो जाएगा यकीनी तौर पर. डेफिनेटली मीन्स यकीनी तौर पर, जो कि किसी शक व शुबे के बगैर होता है, जिस पे यकीन होता है, जिस पे हम बिल्कुल टोटली एग्री होते हैं, जिस पे हमें कोई नेगेटिव रिमार्क्स या पॉइंट्स हमारे माइंड में नहीं आते. डेफिनेटली मीन्स यकीनी तौर पर, और इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा विदाउट डाउट. विदाउट डाउट. सो ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट्स लर्न इंग्लिश. थैंक यू.